Hello students, today we will start next part of laws of motion and in this part we will discuss about the Newton's third law. So what is the Newton's third law? Action and reactions are equivalent in opposite direction. Ab iska matlab kya, what is the action and what is the reaction? Okay, for that we take a case. Now we consider a ball here at this point aur ab hum is ball ko is wall ki taraf throw karte hain. जैसे ही हमने थ्रो किया देन इट स्ट्राइक विद दिस बॉल, वो इस बॉल से हिट करेगी. ठीक है, अब वो हिट करेगी देन इट एग्जर्ट द फोर्स ऑन दिस बॉल. ठीक है, बॉल क्या करेगी, बॉल एग्जर्ट अ फोर्स ऑन दिस बॉल एंड दिस इज कॉल्ड द एक्शन बाय द बॉल ऑन बॉल. दोबारा सुनिए, दिस एग्जर्ट अ फोर्स ऑन दिस बॉल एंड दिस इज कॉल्ड द एक्शन By the ball, on the ball. ठीक है, बॉल पर बॉल ने क्या किया, फोर्स एग्जर्ट किया जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है F1 से और इसी को क्या बोला जाएगा, एक्शन बोला जाएगा. अब जब इसने इस बॉल पर फोर्स एग्जर्ट किया तो इसके बदले में बॉल भी इसके रिवर्स में क्या करती है, एक फोर्स एग्जर्ट करती है ऑन द बॉल. ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, रिएक्शन बोला जाता है. आपने देखा भी होगा बॉल जैसे ही बॉल पर लगती है वो वापस रिबाउंड होकर आ जाती है. ठीक है, तो ये वापस फिर से क्या होकर आएगी, रिबाउंड होकर आएगी. तो ये रिबाउंड होकर क्यों आए, बिकॉज बॉल इज ऑल्सो एग्जर्ट अ फोर्स ऑन दिस बॉल. ठीक है, जो बॉल ने फोर्स एग्जर्ट किया रिप्रेजेंटेड बाय द F2, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन. ओके, इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन दीज आर दी फोर्सेस, लेकिन इन फोर्सेस में फर्क क्या है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जो अप्लाई कर रही है दैट इज द एक्शन और उसके बदले में दूसरी बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रही है फर्स्ट वाली बॉडी पर वो क्या हो गया, रिएक्शन. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि किसी भी बॉडी पर मान लो एक ये फोर्स लगा, दिस इज द एक्शन, ये एक्शन और इसके बदले में इस बॉडी ने जो फोर्स एग्जर्ट किया ये क्या हो जाएगा आपका, F2. अब न्यूटन ने क्या बोला कि जो ये एक्शन और रिएक्शन है दीज आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस F1 इक्वल टू F2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन. फॉर द अपोजिट डायरेक्शन वी टेक हियर नेगेटिव साइन, राइट. अब ये होता किस तरह से है, नाउ वी विल कंसीडर द केस फॉर दैट. सो नाउ वी कंसीडर द टू बॉडी विच हैज द मास m1 एंड m2. ओके, दिस नाउ व्हेन दे कोलाइड टू ईच अदर, जब ये आपस में कोलाइड करेंगी देन द एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, मेक दिस डायग्राम. नाउ व्हाट इज द F1 2 फोर्स, F1 2 दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉडी 1 ऑन बॉडी 1 बाय 2, राइट. एंड सिमिलरली F2 1 इज फोर्स एग्जर्टेड ऑन बॉडी 2 by 1, right. These are the forces which are exerted on each other. Okay, and this is a system. ये हमने क्या consider कर लिया कि ये एक system में हम लेके चल रहे हैं. So total force acting in a system we will take F. Okay, and then this force F is equal to F1 2
and F2 1. Okay? Right? So now, अब यहां पर अप्लाई करो न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था आपका? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट एफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये हमने किया है ये. ओके, नाउ अप्लाई दिस लॉ इन दिस फॉर्म. सो एफ वन टू दिस विल बी इक्वल टू डी पी वन डिवाइड बाय में डी टी एंड एफ टू वन इक्वल टू डी पी टू डिवाइड बाय में डी टी. डी टी आपका सेम रहेगा बिकॉज दे विल टेक सेम इंटरवल ऑफ टाइम टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम. ओके, सो हियर वी टेक द सेम इंटरवल ऑफ टाइम डी टी फॉर द सेकेंड बॉडी एंड डी टी फॉर द फर्स्ट बॉडी. ओके, नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू नाउ डी पी वन बाय में डी टी एंड डी पी टू डिवाइड बाय में डी टी. नाउ इन दिस सिस्टम और यू कैन से दैट देर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट. ठीक है, बाहर से कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ उनका आपस में ही जो फोर्स था दैट विल एक्ट ऑन ईच अदर. ठीक है, सो ये जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू जीरो. सो वी कैन राइट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. F इक्वल टू जीरो. ओके, देन F वन टू प्लस F टू वन दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो, राइट. एंड देन F वन टू इक्वल टू F माइनस टू वन. ओके, और ये क्या था आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ही था. क्या था ये आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ. यहीं से ही हम एक चीज और निकाल सकते हैं. वी नो दैट एफ इक्वल टू आपका क्या है, साथ में डी पी वन डिवाइड बाय में डी टी प्लस डी पी टू डिवाइड बाय डी टी ऑल्सो डी पी वन इफ एफ इक्वल टू जीरो देन डी पी वन by dt dp2 by dt this will also equal to 0. So dp1 by dt equal to minus dp2 divided by me dt or you can say that dp1 equal to minus dp2. इसका मतलब क्या हुआ कि देर इज चेंज इन मोमेंटम इन बोथ बॉडी ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ये आपका क्या आएगा विद द नेगेटिव साइड. नाउ वी विल डू कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेसिस ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट. नाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फर्स्ट वॉकिंग ऑफ अ पर्सन. अब जब भी कोई पर्सन मूव करता है इट अप्लाई द एक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, मीन्स एक्शन किया इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑन द अर्थ सरफेस. तो इसके बदले में अर्थ क्या करती है, इट गिव्स द रिएक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्शन. ठीक है, हमने क्या किया, हमने अर्थ सरफेस को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया. बदले में अर्थ हमें क्या करती है, अर्थ एक्सर्ट अ रिएक्शन ऑन द पर्सन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्शन और यू कैन से दैट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से एनी पर्सन कैन मूव और कैन वॉक ऑन द अर्थ सरफेस. सेकेंड इज अ पर्सन कैन स्विम. ठीक है, अब जब भी स्विमर when swimmer try to swim on a into a water, okay, तो वो क्या करता है, अपनी
हाथों से पानी को पीछे की तरफ पुश करता है. He pushed the water in backward direction. और इसके बदले में वॉटर क्या करता है, इट वॉटर गिव्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो अ स्विमर कैन स्विम. ओके, थर्ड इज बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन अ पर्सन जंप आउट ऑफ बोट. जैसे ही कोई भी पर्सन आउट ऑफ बोट हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि बोट से जंप लगाकर बाहर की तरफ आ रहा है, सो ही पुश द बोट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बोट को पीछे की तरफ कर धकेलता है. एंड इन द रिवर्स ऑफ दिस बोट अप्लाई द रिएक्शन ऑन द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से पर्सन जो है आगे की तरफ मूव करता है और बोट जो है पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. नेक्स्ट इज लॉन्चिंग अ रॉकेट. ठीक है, अब रॉकेट में आपने काफी बार देखा भी होगा टीवी पर, एक्चुअल में तो देखा नहीं होगा, बट देर आर नंबर ऑफ गैसेज आर एक्सर्टेड आफ्टर बर्निंग द फ्यूल. ठीक है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दे अप्लाई अर एक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और इसके बदले में जो आपकी गैसेज पीछे की तरफ जो निकल रहे हैं, इसके बदले में रिएक्शन होता है, एंड दे एक्सर्ट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट द रॉकेट लॉन्च या रॉकेट कैन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और जो गैसेज है वो पीछे की तरफ मूव करती है. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ व्हीकल. जब भी कोई व्हीकल आपका रन कर रहा होता है रोड पर, देन इट एक्सर्ट अ एक्शन ऑन द रोड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड इसके बदले में रोड एक्सर्ट द रिएक्शन ऑन द व्हीकल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है. सो दीज आर द क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ.